everyone, welcome to my channel. Today's video is about the difference between a facial and a cleanup. Guys, we know that facials and cleanups are really good for our skin, but most of us are confused what is good for us, like a cleanup will suit us or a facial. We should go for a facial or a cleanup. Hum parlor mein jaate hain, humse pucha jata hai that what you want, a facial or a cleanup, and we are confused about that. So aaj hum usi bare mein baat karne wale hain. Like I will tell you the top differences between the facial and a cleanup. So yes guys, let's get start with the video. But agar abhi aap mere channel par naye hain aur aapne mere channel ko subscribe nahi kiya hai to please mere channel ko subscribe kar lijiye and niche ek red color ka button hoga us pe click kar dijiye. Saath mein ek notification bell bhi hoga us pe bhi click kar dena, so that every time I post a video aapko ek notification aa jaye. So yes guys, let's get start with the video. सो गाइज द फर्स्ट डिफरेंस लाइज विद द इशू. आपको इशू क्या है, आप किस वजह से फेशियल या क्लीनअप करा रहे हो. अगर आपको एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन मेंटेन करना है, आपको ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है, आपको टैनिंग का प्रॉब्लम है, आपका स्किन डल हो गया है, तो क्लीनअप विल वर्क विद दिस इश्यूज. वाइल अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो आपको फेशियल लेना पड़ेगा. सेकेंड डिफरेंस की, विच इज द नंबर ऑफ स्टेप्स. क्लीनअप यूजली 4 स्टेप्स का होता है. द फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, सेकेंड इज स्क्रबिंग, थर्ड इज पैक एंड द लास्ट टोनिंग. जबकि आपका फेशियल 6 to 7 स्टेप्स का होता है. क्लेंजर एंड स्क्रब कॉमन होता है क्लीनअप और फेशियल में, पर फेशियल में जेल मसाज होती है, क्रीम से मसाज दी जाती है, और मसाज भी लाइक 20 to 25 मिनट्स तक दी जाती है. प्लस आपको सीरम्स भी प्रोवाइड किया जाता है, स्टीम भी दी जाती है, जो काफी क्लीनअप्स में स्किप कर दिया जाता है. एंड द पैक एंड द टोनर इज कॉमन इन बोथ क्लीनअप्स एंड फेशियल. सो अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की. तो मैंने आपको बताया दैट क्लीनअप आपका 4 स्टेप्स का होता है, वाइल फेशियल आपका 6 to 7 स्टेप्स का होता है. तो ऑब्वियसली ड्यूरेशन डिफर होगा दोनों का. तो आपका जो क्लीनअप होता है वो 30 मिनट्स का होता है, वाइल जो आपका फेशियल होता है वो 45 से 90 मिनट्स तक वेरी करता है. तो द थर्ड डिफरेंस इज बिटवीन द ड्यूरेशन. Come to the fourth difference, which is like the most important difference between a facial and a cleanup, is that what age group should go with facial and what age group should go with a cleanup. So guys, agar aap teenagers hain to aapko kabhi bhi facial nahi karana chahiye. Jab aap teenager hote ho to aapki skin bahut sensitive hoti hai, your skin is not that mature, aur jab hum facial karate hain to hamari face pe बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मसाज दिया जाता है, और जब हमारी स्किन पे इतना मसाज दिया जाता है तो एक हीट जनरेट होती है. अब हीट जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं तो निकलेगी, तो अब वो हीट निकलती है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो रेडनेस की फॉर्म में. बहुत जगह पिंपल्स भी हो जाते हैं फेशियल के बाद, उसके पीछे यही रीजन होता है, आपके फेस को बहुत ज्यादा मसाज दिया गया होता है एंड आपको फेशियल सूट नहीं करता. तो गाइज, एक टीनेजर को कभी भी फेशियल नहीं कराना चाहिए. वाई, अगर आपकी स्किन मेच्योर है, आपकी स्किन एक हाई अमाउंट ऑफ हीट को टॉलरेट कर सकती है, तो यू कैन गो फॉर अ फेशियल. So now we will talk about the fifth difference, which is the money. तो guys, जो आपका cleanup होता है वो बहुत सस्ता होता है compared to facial. Facials बहुत ज्यादा costly होते हैं, तो guys cleanups are always less costly than the facials. Now we will talk about the sixth difference between a facial and a cleanup. तो guys, वो है intervals का difference. आप कितनी जल्दी जल्दी cleanup करा सकते हो और आप कितनी जल्दी आपको facial कराना चाहिए. तो guys, अगर आप natural DIY cleanups use कर रहे हो तो आप month में 4 बार every week cleanup करा सकते हो, वरना आप अगर parlor में जाके cleanup करा रहे हो तो आप month में 2 बार cleanup कराएं. While अगर आप facial कर रहे हो तो आपको facial month में 1 बार कराना चाहिए. सेवन डिफरेंस इज बिटवीन द बेनिफिट्स. फेशियल के क्या बेनिफिट है, क्लीनअप के क्या बेनिफिट है. तो गाइज, क्लीनअप आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है. बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल CTM रूटीन से नहीं जाते, तो उसके लिए हम क्लीनअप करते हैं. आपको मंथ में 2 बार क्लीनअप कराना चाहिए. वाइल अगर हम फेशियल की बात करें तो फेशियल का बेनिफिट होता है आपके फेस को डीपली क्लीन करने के साथ ग्लो प्रोवाइड करना.
नाउ वी विल टॉक अबाउट द 8th डिफरेंस विच इज लाइक क्या ज्यादा रिलैक्सिंग होता है. तो गाइज ऑब्वियसली आपके फेस पे मसाज दिया जाता है फेशियल में, तो फेशियल हमेशा क्लीनअप से ज्यादा रिलैक्सिंग होता है. आपके माइंड को, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है व्हेन यू गो फॉर अ फेशियल. सो गाइज अब हम बात करते हैं अपने 9th डिफरेंस की विच इज लाइक द नंबर ऑफ ऑप्शंस. तो आपके क्लीनअप में आपको होते ऑप्शंस नहीं होते जितने आपके फेशियल में होते हैं. फेशियल में आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक फ्रूट, डायमंड, गोल्ड, पर्ल, सिल्वर, बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके फेशियल के साथ, वाइल आपको क्लीनअप में उतने ऑप्शंस नहीं दिए जाते. Now we will talk about the 10th difference which is the skin type. कौन से skin type को क्या suit करेगा. तो guys usually facial dry combination and normal skin वालों को कराना चाहिए, while जो cleanup होता है वो कोई भी skin type का करा सकता है. तो guys oily skin को facial इसलिए नहीं कराना चाहिए because as we have talked like उसमें बहुत ज़्यादा massage दिया जाता है जिस वजह से आपके फेस पे पिंपल्स आने के चांसेस हो सकते हैं, एंड ऑयली स्किन वालों को ऑलरेडी पिंपल्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है. सो अगर ऑयली स्किन वाले फेशियल के लिए जा रहे हैं सो दे शुड बी मोर चूजी अबाउट देयर फेशियल. सो गाइज ये हो गए टॉप 10 डिफरेंसेस बिटवीन अ फेशियल एंड अ क्लीनअप. आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक. अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.